देखिए ये वहाँ मंदिर का पुराना नक्शा है, ठीक है। इस नक्शे में ये लिखा है कि द पोर्शन ऑफ 15th सेंचुरी मंडप अंडर द मास कोर्ट यार्ड नाउ फील्ड अप, ये बताया गया है। ये फील्ड अप, ये बताया गया है कि द पोर्शन ऑफ द 15th सेंचुरी मंडप अंडर द मास कोर्ट यार्ड स्टिल एग्जिस्टिंग, ठीक है। और ये दिया गया है कि ये डॉटेड लाइन शोज करता है यही मास्क है, वो जो बजूखाना है वो अब बस समझ लीजिए। ये प्रिंसिपल डीटी हैं जो 100 फुट के हैं, अंदर दबाया गया है पत्थर की पटिया से मेन गुंबद के नीचे। ये बगल वाला है, ये बगल वाला है, तीन गुंबद ये हो गए, उसके गुंबद के नीचे हमारा शिखर तक जो है आया है कि मंदिर यथावत है अभी भी। और ये जो आया है ये यहीं पर वजू खाना बना हुआ है जो यहाँ पर तारकेश्वर का मंदिर रहा है। अच्छा। ये लिखा है तारकेश्वर। अच्छा। पढ़ा जा रहा है नंगी आंखों से। ये जो लिंग निकला है ये तारकेश्वर भगवान का लिंग है। मस्जिद तो यही है लेकिन लोग कहते हैं कि गुम्बद के नीचे वो विराजमान है, विश्वेश्वर है। तो विश्वेश्वर है का गलती करता है, तो यही पूछना चाह रहे हैं। तो ये तालाब के अंदर में देखेंगे तो यही ना मस्जिद है। ये बीच वाला गुम्बद, ये वाला गुम्बद ठीक। बीच वाले के नीचे हमारा दबाए हैं सब। और ये जो है ये देखा सुना, ये जो है ये बरामदा है, बरामदा के आगे ये सब तोड़ दिया है, ये चबूतरा बना है, यहीं पर जो है ये था, क्या था यहीं पर वो था फव्वारा वाला, वो वजू वाला तालाब। और ये क्या है यहाँ पर देखिए, जो स्थान विशेष पर वो निकला है और जहाँ यहाँ इनके द्वारा वजू खाना बनाया गया था वहीं पर पुराने नक्शे के अनुसार वह स्थान तारकेश्वर महादेव का मंदिर था। और जहाँ से वह निकला है मैं समझता हूँ कि वही लिंग है जिसको हम लोग तारकेश्वर महादेव के लिंग के रूप में पूजते थे। यह नक्शा 15वीं शताब्दी के में जब नारायण भट्ट के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया तो इसी नक्शे के आधार पर जो है वह मंदिर बना था। इस नक्शे को जेम्स प्रिंसेप जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे अंग्रेजों के समय, उन्होंने स्थल निरीक्षण करके और पुराने दस्तावेजों और नक्शों के आधार पर इन्होंने प्रिपेयर किया था, जो हिस्टोरिकल बुक्स में जो है वो यथावत है। उस नक्शे के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि जो पोर्शन इस विवादित स्थल का है उसके पूरब तरफ के कोण में जहाँ ये वजू का स्थान बनाए थे ये लोग, वही स्थान तारकेश्वर महादेव के मंदिर का था जो नक्शे में परिलक्षित किया गया है। और मैं समझता हूँ कि ये जो लिंग निकला है वह तारकेश्वर महादेव का लिंग होना चाहिए। अब उसका परीक्षण किया जाएगा। अभी तक तो जो हम लोगों को सुनी सुनाई बातें आ रही हैं, अभी कमिश्नर महोदय के द्वारा रिपोर्ट न्यायालय में फाइल कर दी जाए और हम लोग उसको देख लें, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ को हम लोग विधिवत देख लें, पहचान कर लें, पूर्णतया नक्शे से जो अभी आपको प्रथम दृष्टया हम दिखा रहे हैं उससे मिलान कर लिया जाए, तब संतुष्ट होकर के यह कहा जा सकता है कि ये वही शिवलिंग है।